तो मारुति ब्रेज़ा एक काफ़ी पॉपुलर नाम है और आज भी अच्छे खासे नंबर्स में ये गाड़ी बिकती है। काफ़ी फीचर भी इसे मारुति ने अब दे दिए हैं। 14 से 15 लाख के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है। लेकिन आप जानना चाहते होंगे कि क्या ये गाड़ी परफेक्ट है या मारुति ने इसमें अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग भी कर रखी है, आइए जानते हैं। इसकी पेंट क्वालिटी उतनी सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं लगी। कुछ ऐसा फील हुआ जैसे कि काफी पतली लेयर है पेंट की, देख सकते हो इस जगह पे बहुत हल्के ही इम्पैक्ट पे ये पेंट निकल गया है। पता भी नहीं किस चीज का इम्पैक्ट हुआ है, पर पेंट यहाँ से हट गया है। सामने वाले सेक्शन पे भी आप देख सकते हो जो पेंट है वो बड़ा अनइवन सा है। ऐसा नहीं है गाड़ी रिपेंटेड है, गाड़ी डीलर से ही इसी हाल में आई है, 3 दिन पहले इसकी डिलीवरी हुई है। इंटीरियर में प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं तो एवरेज है, मारुति के स्टैंडर्ड से कहूंगा बेटर ही है, लेकिन अभी भी वो हार्ड प्लास्टिक वाला फील है, कई जगह हॉलो सा साउंड आता है। इनफैक्ट ये जो गियर लीवर है इसको भी मूव कराएंगे तो इसमें भी एक हॉलोनेस वाला साउंड है, बट एक्सपीरियंस की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को कमजोर करता है। एक छोटी सी चीज और जो देखी मैंने कि इसका हॉर्न पैड थोड़ा अजीब सा है, कहीं पर काम करता है कहीं पर दब जाता है, काम नहीं करता है। छोटी सी कमी पर है, इंटीरियर में मिलने वाली सारी ही लाइट्स हैलोजन है, कोई भी LED नहीं दिया गया है। एक 14-15 लाख की गाड़ी में इंसान ये तो एक्सपेक्ट करता ही है। कुछ एक बहुत ही कॉमन फीचर्स जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स और PPMS, इनका ना होना थोड़ा सा खलता है।